आज हमारे पास Realme 9 Pro करने वाले हैं इसके कैमरा को टेस्ट। डिटेल्स में देखेंगे कि किस टाइप की इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इसका कैमरा प्रोड्यूस कर सकता है। बट बिफोर गोइंग अहेड लेट मी क्विकली टेल यू द कैमरा डिटेल्स। यहाँ पर बैक पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। फ्रंट पे आपको लेफ्ट पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। सो जल्दी से चलते हैं किसी आउटसाइड लोकेशन पर इसके कैमरा को टेस्ट करने के लिए। और अगर आप भी हैं इंटरेस्टेड Realme 9 Pro के कैमरा के बारे में जानने के लिए तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। हाय गाइस, दिस इज रचना, वेलकम टू माई चैनल टेक शार्क। तो ये हमारे पास Realme 9 Pro और आ चुके हैं एक आउटसाइड लोकेशन पर इसके कैमरा को टेस्ट करने के लिए। देखते हैं किस टाइप की इमेज क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इसका कैमरा प्रोड्यूस कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा की, जो कि ओमनी विजन का है। तो 64 मेगापिक्सल के शॉट्स काफ़ी क्लियर आते हैं यहाँ पे डे लाइट कंडीशंस में। ऑल दो जूम करने पर यहाँ डिसेंट डिटेलिंग कैप्चर हो पाती है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे से, तो मैं इसे यहाँ पर डिसेंट बोलना चाहूँगी। वहीं बात करें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की, तो शॉट्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। इनफैक्ट द एरिया कवर्ड इज़ गुड, बट देर इज़ अ लिटिल बिट कलर शिफ्टिंग इफ़ यू कंपेयर इट विद द नॉर्मल शॉट। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो शॉट्स आप डिसेंट बोल सकते हो क्योंकि एज डिटेक्शन तो अच्छा है, बट डिटेलिंग में यहाँ पर काफ़ी कमी देखने को मिलती है। वहीं बात करें जूम शॉट्स की, तो यहाँ आपको 6x तक के जूम शॉट्स देखने को मिलते हैं। नॉर्मल और 2x का कंपेरिजन आप देख सकते हो, और इन माई व्यू 2x का जूम जो है यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, बट 6x शॉट इज यूजलेस। सेल्फी कैमरा की बात करें तो आई वॉज इम्प्रेस्ड विद द सेल्फी कैमरा, स्पेशली पोर्ट्रेट शॉट्स वर अमेजिंग। नॉर्मल सेल्फीज चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर, काफ़ी अच्छी सेल्फीज आप कैप्चर कर सकते हो इस कैमरा से। नाइट शॉट्स यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाते हैं, ऑल दो ब्राइटनेस अच्छी खासी देखने को मिल जाती है अगर थोड़ी सी भी लाइट है, बट डिटेलिंग में कैमरा लैक करता है नाइट शॉट्स में। बाकी अलग अलग फिल्टर्स लगाकर भी आप काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, स्पेशली रेड और येलो फिल्टर्स लुक क्वाइट गुड। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं 1080p 30fps पर इसके फ्रंट कैमरा से, और सन एकदम मेरे सामने की तरफ है, तो सन की लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छे से जो है लाइट को बैलेंस किया हुआ है। ऑल्दो अभी जब मैं उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही थी वहाँ पर भी लाइट को अच्छे से बैलेंस किया हुआ था, और अब मैं एक शेडो पार्ट में आ गई हूँ तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कलर्स आप देख सकते हैं। और स्टेबलाइजेशन मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको डिसेंट देखने को मिल जाता है, कोई भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन आपको अल्ट्रा स्टडी मोड वगैरह देखने को नहीं मिलता है फ्रंट कैमरा में। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके बैक कैमरा से 1080p 30fps पर, और काफ़ी अच्छे से कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके अंदर। लाइट को भी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, ऑल्दो काफ़ी तेज़ धूप में मैं इस समय शूट कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से बैक कैमरा जो है काफ़ी अच्छे से कलर्स प्रोड्यूस करता है, बट थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके नॉर्मल मोड पर, और अब मैं इसको जूम करने जा रही हूँ 2x पर। ये आप देख सकते हैं कि सेम वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 2x पर, अब काफ़ी क्लियर से आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे सामने की तरफ प्ले कर रहे हैं। कुछ इस टाइप की जूमिंग आपको देखने को मिलती है 5x पर, जिसके अंदर क्लैरिटी जो है काफ़ी कम हो गई है, पिक्सल्स बिल्कुल फट गए हैं और कलर्स भी जो हैं क्लियर दिख नहीं रहे हैं इसमें जूम। और ये है इसका मैक्सिमम जूम जो कि 6x है, तो 6x जो है मुझे यहाँ पर यूजलेस लगा। फ्रंट से आपको डिसेंट वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है नाइट टाइम में, तो इतने ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी लाइट होगी तभी आप अच्छी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर पाएंगे सेल्फी कैमरा से।
ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ नाइट टाइम में और इस समय मैंने इसका एआई ऑफ पे रखा है, तो वीडियोस अच्छी तो आ रही हैं बट अगर आप इसका एआई मोड ऑन कर देंगे नाइट टाइम में तो और भी ज़्यादा ब्राइट वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं एआई मोड ऑफ में और ऑन में। हाय, वेलकम बैक। सो हाउ डिड यू लाइक द कैमरा? इन माई व्यू कैमरा वॉज अबव एवरेज, क्योंकि जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो डे लाइट कंडीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी शार्प फोटोज आते हैं और काफ़ी, लेकिन जो इसका अल्ट्रा वाइड है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कलर शिफ्टिंग देखने को मिलता है। मैक्रो लेंस में यहाँ पर जो है बोलूँगी बिलो एवरेज है, बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी कैमरा यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, सेल्फीज जो है मुझे बेटर लगी एज कम्पेयर टू बैक कैमरा। मुझे फ्रंट कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो अगर आप सेल्फीज़ ज़्यादा क्लिक करते हैं तो ये फ़ोन आप बाय कर सकते हैं। साथ ही में अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है बट स्टेबलाइजेशन यहाँ आपको एवरेज देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ पर EIS का सपोर्ट देखने को मिलता है बट फिर भी उतना ज़्यादा इफेक्ट मुझे यहाँ पर नहीं लगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक आपको अबव एवरेज कैमरा देखने को मिलता है। आप इसे एज अ कैमरा स्मार्टफोन तो बाय नहीं कर सकते बट अगर आपको इसके दूसरे स्पेसिफिकेशंस अच्छे लग रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग हैं देन आपको इसके अंदर एक अबव एवरेज कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये थी स्टोरी Realme 9 Pro के कैमरा की। आपको कौन सा शॉट और कौन सा वीडियो क्लिप सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाकर मेरी दूसरी वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।